उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों के असाइनमेंट्स को ऑनलाइन माध्यम से लेने के लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ की है। इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट uou.ac.in पे ऑनलाइन क्षेत्रीय कार्य हेतु समय सारणी उपलब्ध है। समय सारणी पर क्लिक करके आपको अपने असाइनमेंट्स का प्रोग्राम वाइज डेट शेड्यूल मिलेगा। इन डेट्स के अंतर्गत जो भी प्रोग्राम है उन्हीं प्रोग्राम के स्टूडेंट इन डेट्स में अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। असाइनमेंट्स की डेट 26 अप्रैल से 1 मई जैसे दी गई है। 26 अप्रैल की रात 12 बजे से 1 मई की रात्रि 11:59 तक ये उपलब्ध रहेगा। यूनिवर्सिटी ने असाइनमेंट्स को सबमिट करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक लिंक प्रोवाइड किया गया है। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से एक लॉगिन पेज दिखाई देगा। इस लॉगिन पेज पे यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया है। यूजर नेम छात्र का एनरोलमेंट नंबर नामांकन संख्या है और पासवर्ड उसकी जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ के लिए फॉर्मेट यहाँ दिया गया है, ये YYYY MM और DD फॉर्मेट है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि किसी छात्र का डेट ऑफ बर्थ 23 जनवरी 1980 है तो वो इस तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड के रूप में अंकित करेगा। लॉगिन करते समय अगर छात्र को किसी भी तरीके से कोई समस्या है कि लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो वो assignment@uou.ac.in पर मेल करेगा और उस मेल पर अपना एनरोलमेंट नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और प्रोग्राम कोड अंकित करेगा। इसके अलावा भी अगर स्टूडेंट को लॉगिन करने के बाद अगर उसके सब्जेक्ट कोड सही नहीं है या नहीं उपलब्ध हो रहे हैं तो उस कंडीशन में भी स्टूडेंट assignment@uou.ac.in पर मेल करेगा, जिसका रिप्लाई उसे 1 से 2 दिन में, जो कि ऑफिस आवर्स होंगे, उसमें मिल जाएगा। लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट को इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन में 2 चीजें हैं, एक लिखा है अटेम्प्ट अलाउड 2, इसका मतलब है कि स्टूडेंट अपने असाइनमेंट्स को 2 बार अटेम्प्ट कर सकता है। 2 बार अटेम्प्ट करने का मतलब है उसको 1 बार अटेम्प्ट करने में 1 घंटे का समय और दूसरी बार फिर अटेम्प्ट करने में 1 घंटे का समय मिलेगा। उसके नीचे यहाँ पे अटेम्प्ट क्विज का बटन दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखेगी। इसमें 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे और आपका टाइम भी यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि 1 घंटे का समय है तो ये आपका टाइम शो करेगा। इसी 1 घंटे के अंदर आपको ये असाइनमेंट को सबमिट करना है। अगर आप 1 घंटे के अंदर अपने असाइनमेंट को सबमिट नहीं करते हैं तो ये ऑटो सबमिट हो जाएगा, मतलब आप जिस कंडीशन पे थे उसी कंडीशन पे आपका जो ये क्वेश्चंस हैं ये सबमिट हो जाएंगे ऑटो। अब यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चंस को आप इस तरीके से क्लिक करके आंसर करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई आपने गलत लिख दिया है तो आप उसको इस तरीके से दोबारा क्लिक करके अपने आंसर्स देंगे। क्योंकि आपके पास 1 घंटे का समय है तो आप इत्मीनान से अपने क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। हाँ, और साथ में ये भी देखते रहिए कि आपका इंटरनेट का कनेक्शन सही है। जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद एक फिनिश अटेम्प्ट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको समरी ऑफ अटेम्प्ट ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उनका स्टेटस दिखाई देगा। अब स्टेटस में ये बताता है कि अगर आपने क्वेश्चंस का आंसर दिया है तो आंसर्ड सेव्ड है, और अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है तो वो नॉट येट आंसर्ड है। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी कुछ क्वेश्चंस के आंसर अभी बचे हैं, तो आप दोबारा पीछे जाके दोबारा से अपने कुछ क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं, उनके आंसर्स दे सकते हैं और दोबारा से उसको फिनिश कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको फाइनल सबमिशन करना होता है। सबमिट ऑल एंड फिनिश ये बटन दिया गया है, इस पे आप क्लिक करेंगे। फिर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आपकी समरी दिखेगी और यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो आपके शो करेगा। जैसे यहाँ पे 3 मार्क्स आए हैं, अब आपके मार्क्स ये 20 में से हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा
कि अगर आपके असाइनमेंट 20 मार्क्स के डिफाइंड है तो जो मार्क्स यहाँ दिए गए हैं वही मार्क्स आपके रिजल्ट में शो करेगा। अगर आपके असाइनमेंट 30 मार्क्स के हैं तो उस कंडीशन में ये मार्क्स उसी रेशो में कन्वर्ट होकर आपके रिजल्ट में शो करेगा। जैसे कि अगर असाइनमेंट में आपके 20 में से 10 मार्क्स आए हैं और आपके एक्चुअल असाइनमेंट 30 मार्क्स के हैं तो वो उसी रेशो में कन्वर्ट होकर 15 मार्क्स आपके रिजल्ट में शो करेगा। ये आपने एक अटेम्प्ट किया है। अगर आपको लगता है कि आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो री अटेम्प्ट क्विज करेंगे, क्योंकि आपको दो बार अटेम्प्ट अलाउड है। तो आप दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे और उसमें आपके अगर नंबर ज्यादा आते हैं तो उनको कंसीडर किया जाएगा। दोनों अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स जिस अटेम्प्ट में होंगे वो मार्क्स छात्र को दिए जाएंगे। धन्यवाद।